बीते वर्ष जितने श्रद्धालु काशी आए हैं उससे हमारे नाविकों, रेडी ठेले रिक्शा वालों, दुकानदारों, होटल गेस्ट हाउस चलाने वालों सभी को लाभ हुआ है। अब गंगा पार के क्षेत्र में इन नई टेंट सिटी काशी आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को एक नया अनुभव देगी। इस टेंट सिटी में आधुनिकता भी है, अध्यात्म भी और आस्था भी है। राग से लेकर स्वाद तक बनारस का हर रस, हर रंग इस टेंट सिटी में देखने को मिलेगा। साथियों, आज का ये आयोजन 2014 के बाद से देश में जो नीतियां बनी, जो निर्णय हुए, जो दिशा तय हुई उसका प्रतिबिंब है। 21वीं सदी का ये दशक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के कायाकल्प का दशक है। इस दशक में भारत के लोग आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तस्वीर देखना जा रहे हैं, जिसकी कल्पना तक किसी जमाने में मुश्किल थी, चाहे घर, टॉयलेट, बिजली, पानी, कुकिंग गैस, शिक्षण संस्थान और अस्पताल जैसा सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर रेलवे, हाईवे, एयरवे और वॉटरवे जैसा फिजिकल कनेक्टिविटी, इनसे जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आज भारत के तेज विकास का, विकसित भारत के निर्माण का सबसे मजबूत स्तंभ है। सबसे चौड़े हाईवे, सबसे आधुनिक एयरपोर्ट, आधुनिक रेलवे स्टेशन, सबसे ऊंचे और लंबे पुल, सबसे ऊंचाई पर बनने वाली लंबी टनल से नए भारत के विकास का प्रतिबिंब हम सब अनुभव करते हैं। इसमें भी नदी जलमार्ग भारत का नया सामर्थ्य बन रहे हैं। साथियों, आज गंगा विलास क्रूज की शुरुआत होना भी एक साधारण घटना नहीं है। जैसे कोई देश जब अपने दम पर सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करता है तो वो उस देश की तकनीकी क्षमता को दिखाता है। वैसे ही 3200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये सफर भारत में इनलैंड वॉटरवे के विकास, नदी जलमार्गों के लिए बन रहे आधुनिक संसाधनों का एक जीता जागता उदाहरण है। 2014 से पहले देश में वॉटरवे का थोड़ा बहुत ही उपयोग होता था। ये हाल तब था जब भारत में वॉटरवे के माध्यम से व्यापार का हजारों साल पुराना इतिहास था। 2014 के बाद से भारत अपनी इस पुरातन ताकत को आधुनिक भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बड़ी शक्ति बनाने में जुटा है। हमने देश की बड़ी नदियों में नदी जलमार्गों के विकास के लिए कानून बनाया है, विस्तृत एक्शन प्लान बनाया है। 2014 में सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग देश में थे, आज 24 राज्यों में
111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने पर काम हो रहा है। इनमें से लगभग 2 दर्जन जलमार्गों पर सेवाएं अभी चल रही है। 8 वर्ष पहले तक सिर्फ 30 लाख मैट्रिक टन कार्गो ही नदी जलमार्गों से ट्रांसपोर्ट होता था। आज ये कैपेसिटी 3 गुना से भी अधिक हो चुकी है। नदी जलमार्गों का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसमें भी गंगा पर बन रहा ये नेशनल वाटरवे पूरे देश के लिए एक मॉडल की तरह विकसित हो रहा है। आज ये वाटरवे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और टूरिज्म तीनों के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। साथियों, आज का ये आयोजन पूर्वी भारत को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाने में भी मदद करेगा। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में आधुनिक मल्टीमॉडल टर्मिनल वाराणसी को जोड़ता है। ये भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से भी कनेक्टेड है और नॉर्थ ईस्ट को भी जोड़ता है। ये कोलकाता पोर्ट और बांग्लादेश को भी कनेक्ट करता है। यानी ये यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक व्यापार कारोबार को सुगम बनाने वाला है। इसी प्रकार जेटी और रोरो फेरी टर्मिनलों का भी नेटवर्क बनाया जा रहा है। इससे आना जाना भी आसान होगा, मछुआरों को, किसानों को भी सुविधा होगी। साथियों, क्रूज हो, कार्गो शिप हो, ये ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को तो बल देते ही है। इनकी सर्विस से जुड़ी पूरी इंडस्ट्री भी नए अवसरों का निर्माण करती है। इसके लिए जो स्टाफ चाहिए, जो स्किल्ड लोग चाहिए, उसके लिए भी ट्रेनिंग का प्रबंध आवश्यक है। इसके लिए गुवाहाटी में स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है। जहाजों की मरम्मत के लिए भी गुवाहाटी में एक नई फैसिलिटी का निर्माण किया जा रहा है। साथियों, ये जलमार्ग पर्यावरण की रक्षा के लिए भी अच्छे हैं और पैसों की बचत भी करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक सड़क के मुकाबले जलमार्ग से परिवर्तन की लागत 2.5 गुना कम आती है। वहीं रेल के मुकाबले जलमार्ग से परिवहन की लागत 1/3 कम होती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वाटरवे से ईंधन की कितनी बचत होती है, पैसा कितना ज्यादा बचता है। भारत ने जो नई लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है उसमें भी तेजी से बन रहे ये वाटरवे बहुत मदद करने वाले हैं। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि भारत में हजारों किलोमीटर लंबा वाटरवे नेटवर्क तैयार होने की क्षमता है। भारत में जो 125 से ज्यादा नदियां और नदी धाराएं हैं वो लोगों और सामान के ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल की जा सकती है। ये वाटरवे भारत में पोर्ट लेड डेवलपमेंट को भी बढ़ाने में मदद करेंगे। कोशिश यही है कि आने वाले वर्षों में वाटरवेज, रेलवेज और हाईवेज का मल्टी मॉडल आधुनिक नेटवर्क भारत में बने। हमने बांग्लादेश और अन्य देशों के साथ समझौते भी किए हैं जिससे नॉर्थ ईस्ट की वाटर कनेक्टिविटी भी
सशक्त हो रही है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए सशक्त कनेक्टिविटी आवश्यक है, इसलिए हमारा यह अभियान निरंतर चलता रहेगा। नदी जल शक्ति देश के ट्रेड और टूरिज्म को नई बुलंदी दे, इसी कामना के साथ सभी क्रूज यात्रियों को सुखद यात्रा के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।